Hey you all, welcome to Mentor Engineer. This is Sushant. Today I am going to discuss information regarding Punjab Engineering College Chandigarh. So let's start the video. देखिए मैं इसमें एक आपको complete information देने की पूरी कोशिश करूँगा. इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो आपका है मोड ऑफ एडमिशन. तो जो सबसे पहला पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि आपका JEE मेन में आप पार्टिसिपेट किए रहेंगे, और जो दूसरी चीज़ रहेगी वो आपकी 75% रहेगा आपका जनरल कैटेगरी और OBC के लिए क्लास 12th में, और SC और ST के लिए जो रहेगा वो आपका 65% रहना चाहिए. इंस्टीट्यूट एक और स्पेशल राउंड करता है, वो कैटेगरी के लिए रहता है, स्पेशल कैटेगरी के लिए, जैसे आपका डिफेंस हो गया, कश्मीरी माइग्रेंट हो गया, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हो गया, इन सब के लिए वो स्पेशल राउंड कंडक्ट कराता है. और जो कैंडिडेट को जो सीट एक्सेप्टेंस कर लिए हैं वो आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं. रिपोर्टिंग आपके जैसे जो जोसा से और CSAP से रहेगा वो आपकी 19th of July से 23rd of July के बीच में आपको रिपोर्ट करना रहेगा. इसमें जो भी एडमिशन होता है वो एडमिशन आपके जोसा और CSAP के थ्रू ही होता है. और इसमें एडमिशन प्रोसेस के थ्रू आपको तीन चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी. इसका जो है आप सबसे पहले इसका रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शन है. इंस्ट्रक्शन में आप लोगों का जो आपको लिस्ट ऑफ इसके जो डॉक्यूमेंट्स रहेगी, आपकी क्लास 12th का सर्टिफिकेट हो गया, ऐसे करके एक एक चीज़ की आपके पास पूरे वो होनी चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और इसकी एक फोटोकॉपी आपके पास रहनी चाहिए. दूसरी चीज़ इसकी स्क्रूटी फॉर्म होती है, उसको आपको क्या डाउनलोड करके उसको फिल करके देना रहता है. और अगर आप मान लीजिए अगर आपने गैप लिया हुआ, यानी कि आपने 12th के बाद गैप लिया है, तो उसका आपके पास गैप ईयर का एफिडेविट होना चाहिए. तो ये तीन चीज़ें आपके एडमिशन प्रोसेस के टाइम में ज़रूरत पड़ेगी. इसके बाद जो इसकी जो मेन जो रहती है उसका जो फी स्ट्रक्चर है, जो BTEC का जो फी स्ट्रक्चर है पर सेमेस्टर का, वो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का रहेगा वो 86,150 रुपीज़ रहेगा पर सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ. और जो हॉस्टल फी रहेगी, जैसे आप हॉस्टल में अगर जाते हैं तो वो आपकी जो फी रहेगी 69,100 रहेगी. ये मैं कंप्लीट बता रहा हूँ. और ये जो फी है ये 10% जो है इंक्रीज हो सकती है, तो इसको एग्जैक्ट मत मानिएगा, ये 10% जो है इंक्रीज हो सकती है. तो ये BTEC की फ़ी स्ट्रक्चर थी आपकी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की. अब जो सबसे मेन है, जो सभी बच्चे लोगों का ये सवाल रहता है कि इसका जो कट ऑफ है वो कितना रहता है. देखिए इसमें जो सबसे जो पहला है वो आपका जनरल कैटेगरी के लिए है. उसमें देखिए इसमें दो कोटे रहते हैं, एक ऑल इंडिया कोटा रहता है, एक आपका चंडीगढ़ कोटा रहता है. इसमें जो ओपनिंग रैंक और जो क्लोजिंग रैंक है वो इसमें ऐसा नहीं रहता, इसमें स्ट्रेट यानी कि स्टार्ट रैंक और एंड रैंक के हिसाब से दिखाया जाता है. तो आप उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होइएगा. तो जो इसकी जो स्टार्ट रैंक रहेगी वो आपकी 1069 रहेगी, और जो इसकी जो एंड रैंक रही है वो आपकी 52,148 रही है. चंडीगढ़ कोटा की जो रही है इसकी ओपनिंग वो 4,191 रही है, और जो इसकी एंड रैंक रही है वो आपकी 73,354 रही है. अब बात करें SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी की जो ऑल इंडिया कोटा रही है वो आपकी 25,077 रही है, और जो एंड रैंक रही है वो आपकी 2,72,390 रही है. चंडीगढ़ कोटा की अगर बात करें तो इसकी जो स्टार्ट रैंक रही है वो आपकी 55,000 के बीच रही है, और जो इसकी जो क्लोजिंग यानी एंड रैंक रही है वो आपकी 3,00,000 के अप्रॉक्स रही है. ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी के जो रहा है इसका स्टार्टिंग रैंक वो 1,38,915 के बीच में रहा है, और जो एंड रैंक रहा है वो आपका 5,91,000 के बीच रहा है. इसमें और भी कैटेगरी आती है, उसमें जो सबसे पहले जो आपका जो स्पेशल राउंड का जो मैं आपको स्टार्टिंग के वीडियो में जो बताया, तो जो सब डिफेंस हो गया स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हो गया, फ्रीडम फाइटर के लिए हो गया, कश्मीरी माइग्रेंट के लिए हो गया, ये सारी चीज़ें जो है मेरिट लिस्ट के हिसाब से रहती है. तो जैसे कि अगर इसका मेरिट लिस्ट के हिसाब से इसका जो एंड रैंक रहा है आपका डिफेंस के लिए, तो जो उसका ऑल इंडिया कोटा का रहा है वो 2 से स्टार्ट होकर 166 में रहा है, और चंडीगढ़ कोटा के लिए अगर जो रहा है वो 3 से स्टार्ट होकर 116 में रहा है. इसी टाइप का आपका स्पोर्ट्स के लिए, फ्रीडम फाइटर के लिए और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए रहा है. तो ये आपका ओवरऑल कट ऑफ था. ये जो मैं कट ऑफ बताएं ये आपका लास्ट ईयर के हिसाब से आपको बताएं. इसके अलावा भी अगर आप लोगों को लगता है कि किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आप लोगों को जल्द से जल्द रिप्लाई दे दूंगा. तो फिलहाल वीडियो में इतना ही था. अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. तब तक के लिए थैंक यू.